वो जो लास्ट कोने में आप अलग से बैठे हैं, आप गलती से आ गए हैं या? कटरीना, हाउ डिड विकी प्रपोज टू यू? ऐसा कोई स्पेसिफिक मोमेंट नहीं था, मतलब कपिल तूने कैसे प्रपोज किया था गिन्नी को? आपको क्यों बताऊं? अर्चना जी, हाँ जी, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। भूतों में बिलीव करती हैं आप? नहीं, भूत से बात हुई थी, वो तो आप में बड़ा बिलीव करते हैं। नहीं नहीं, मजाक में, आप चैनल वाली लड़की से पूछ लो, कहीं तो फ्रीक्वेंसी करके उन्होंने चैनल को बोला कि अर्चना जी से रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं 11 बजे के बाद थोड़ा कम हंसे तो, अगर हमारे बच्चे डर जाते हैं। अच्छा, हमने तो फिल्मों में भूत देखे हैं आज तक, पर क्या क्या दिखाते थे आप? देखो, हमारी पुरानी हिंदी फिल्मों में एक तांत्रिक भी होता था ना, जो ताबीज देख के कहता था ना कि जब ये ताबीज तुम्हारे गले में होगा, बुरी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर भूत स्कीम लगाते थे, वो अपने गैंग की मोना डार्लिंग को भेजते थे कि तू जा बिपाशा बसु बन के। ताबीज तो क्या, आदमी अपनी कमीज भी उतार देता था। अच्छा, भूतिया फिल्मों में एक हवेली दिखाते थे जिसमें भूत रहता था, वहाँ पे दोस्तों का पूरा ग्रुप जाता था और भूत एक एक करके सबको मारता था। दो लोगों को छोड़ देता था, एक तो पहले चौकीदार को जो लालटेन ले खड़ा रहता ना बुड्ढा, 40 साल से यहाँ कोई नहीं आया साहब, दूसरा कॉमेडियन को छोड़ देता था, कॉमेडियन बाथरूम में जाता, अरे ये कौन है, निकल जाता था, क्योंकि भूत को भी पता था कि भाई कॉमेडी करना बड़ा मुश्किल काम है, डरा तो कोई भी लेता है। स्मॉल टाउन होते हैं, छोटे शहरों में कोई भूतिया फिल्म देख के लेट नाइट शो निकलता ना कोई आदमी, सीधा घर पहुंचते हैं, वो बाथरूम भी आया होता ना, हिम्मत नहीं होती किसी की करने की, क्योंकि उसको पता जिंदगी एक है, ये बचाओ, बाथरूम तो रोज आता है, फिर किस दिन कर लेंगे। जो भूत या चुड़ैल जो भी होती है, वो जब गाना गाने लगती है तो सडनली पता नहीं कौन सा काढ़ा पी के आती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। और फिल्मों में आप देखना, हीरो से ज्यादा ना भूत की एंट्री का बिल्डअप होता है। भूतों को देखकर नॉर्मली लोग मतलब दूर भागते हैं, वो तुलसी राम से के भूत होते हैं जी। ऐसा भूत हो तो आदमी खुद उठ के कब्रिस्तान जाए। आई नहीं मैडम, वो क्या बात है पप्पू, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? हाँ। मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ। आप 5 मिनट खड़ी रहे ना, तो मैंने खुद ही दे देनी अपनी जान। पापा जी, किससे बातें कर रहे हैं? मैं किसी से भी नहीं, ऐसे ही बस एंजॉयिंग या विद ऑडियंस। शर्याम झूठ बोल रहे, सामने कटरीना खड़ी है। तो स्वागत करो मालकिन का। मालकिन? आपको हो क्या क्या है? कहाँ गया वो रोमांटिक कपूर शर्मा जिससे मैंने प्यार? निकल गया, वो बॉर्डर क्रॉस कर गया, सुना नेपाल रहता है आजकल, वो है ही नहीं इधर। कपिल, करवा चौथ के दिन में वो मैम के लिए अपनी फास्टिंग की, ये फास्टिंग? एक मेरी बीवी है जो अंधेरी में रहती है, उसके लिए मैंने रखा था। आई स्वेयर, एक जमाना था ये मेरे लिए ना शादी से पहले रोज फूल लाता था, एवरी सिंगल डे। वो तो मुंह गमले जैसा, मुझे लगा खाली अच्छा लगता फूल लगा के। है भाई आदब का बुलाया होशियार, बादशाह अकबर और शहजादे सलीम पधार रहे हैं। आदाब आदाब हुजूर, मुद्दतों तो बाद कैटरीना कैफ को देखकर दिल खुश हो गया। सेम हियर सेम हियर। आपसे पूछा कैटरीना जी, बस क्या कहें आपसे, ओ अभी हमारे लाल किले पे आइए, आपके डांस का प्रोग्राम रखेंगे। आपने इनके शौहर विक्की कौशल को नहीं देखा, वो आपका किला लाल कर देंगे। कैटरीना जी, आपको हमें इतला करनी चाहिए थी कि आप आ रही हैं। हमें पता होता तो शाही सवारी भेजते हम आपके लिए। शाही सवारी? ये खुद बस में लटक के आ रहे हैं। ईशान जी, आपसे एक बात काफी अरसे से हम जानना चाह रहे थे। पूछे, आप कभी खेती करेंगे तो आप किसान खट्टर ही रहेंगे कि किसान खट्टर हो जाएंगे? आपकी इजाजत हो, आपकी किस्मत में कुछ कहना। अरे जरूर जरूर महाराज, अब स्वामी है अंतर्यामी है, दिलों के भेद जानते हैं, जेबों में छेद जानते हैं। आड़ से निकला वो तीर है जिसकी कोई दिशा नहीं, अब मुंह से निकला वो शब्द है जिसकी कोई वजह नहीं, अब गीले में सूखे सूखे में गीला है हमारा। बहुत खूब, माशाल्लाह, मजा आ गया।
आप सब अपने फैंस के लिए कुछ फोटोग्राफ्स डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे। हमारी जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स करती है। आपको कुछ कमेंट्स दिखाते हैं। आज सिद्धांत ने फोटो डाला, मेरे यार की शादी है, भव्या 2.0, कांग्रेचुलेशन। जिस तरह इन्होंने दूल्हे को उठाया, लगता है वो मुकाम तक पहुंचने से पहले टल्ली हो गए। और दिखाइए। ओहो, जीते रहो, खुश रहो। कैटरीना ने ये फोटो डाला है और ये सनी है। सनी, आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। जब भाई कैटरीना जैसी भाभी ले आए तो भाई के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। सर, मेरा दीपक गागड़े नाम है, फ्रॉम मेरठ। अच्छा जी, सर ने जैसे पूछा आपको, अगर किसी की शरीर में जाने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले इमरान हाशमी के शरीर में जाना चाहूंगा। क्योंकि उस बंदे की जिंदगी में इतना रोमांस है कि मुझे जेलिसी यानी कि जलन फील होती है। रैप तो बहुत लोगों ने सुना होगा मुझे घर पे, मैं आपके लिए शायरी कह देता हूँ और फरमाइएगा। चार दिन की जिंदगानी बीत रहे हैं दिन, दो बीते तेरे मिलने से पहले, दो बीते तेरे बिन। पिस्ता खाओगी? ये हमारे मोहल्ले के हैं, फर्स्ट कॉपी उदय और मजनू। फर्स्ट कॉपी नहीं है, हम वेरीफाइड है। उसका केवाईसी हो चुका है। ऐसे संजना, जैसे तुम्हारी शादी हुई है, करता क्या है लड़का, पेंशन वेंशन तो लग जाएगी ना उसकी। अरे वो सुपरस्टार है विक्की कौशल। विक्की कौशल? हाँ। अरे भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है विक्की के पास, उसे बोले मुझे गोद ले ले। The Kapil Sharma Show, partner Getaway by Kajaria.